आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि ये टर्म किसने दिया था। जो टर्म इकोसिस्टम है, टर्म इकोसिस्टम जो है टेंसली ने दिया था 1935 में। होता क्या है ये शब्द? इकोसिस्टम बेसिकली एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एक कंपोनेंट है, यूनिट है बायोस्फीयर का, जो कि स्टडी करते हैं। इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और इकोसिस्टम्स में ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है इनका, यानी कि जिसको हम एबायोटिक फैक्टर्स कह देते हैं, और जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, इनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो टर्म था ये टेंसले ने दिया था, जिनका पूरा नाम आर्थर टेंसले था। आर्थर टेंसले था, 1935 में उन्होंने ये शब्द दिया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक बायोटिक फैक्टर्स और एक अबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि लिविंग चीज और नॉन लिविंग चीज, जैविक और अजैविक चीजों से मिलकर बना होता है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको बेसिकली होलोकोइनोसिस कहते हैं। होलोकोइनोसिस, होलोकोइनोसिस ये क्या होता है? ये रिलेशन होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशन है उसको होलोकोइनोसिस कहते हैं। इसके अलावा एक टर्म जो है बहुत कॉमन है, जिसको कि हम बहुत बार कंपटीशन से भी ये पूछा जाता है, कि जो इकोलॉजी टर्म है, इकोलॉजी जो टर्म है ये किसने दिया था और इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था, ये दोनों में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी होता है रिलेशनशिप बिटवीन अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ये फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट। जैविक चीजें भी होंगी उसके अंदर, जानवर होंगे, पेड़ पौधे होंगे जिनमें जीवन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, और अजैविक चीजें होंगी जैसे मिट्टी होगी, पत्थर होंगे, और इस तरह की चीजें होंगी, मिनरल्स होंगे, तो वो अजैविक चीजें होंगी। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसकी स्टडी जब करते हैं उसको इकोलॉजी करते हैं। और ये टर्म है इकोलॉजी, ये दिया था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने ये टर्म इकोलॉजी दिया था। अब हम बात करते हैं कि जो ये इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम के अंदर ये कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली जो इकोसिस्टम होता है उसको हम दो किस्मों में बांट सकते हैं। इकोसिस्टम को अगर हम क्लासिफाई करें तो इसको हम बांट सकते हैं दो किस्मों में। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल, अब जैसे हमको नाम से ही पता चल रहा है कि नेचुरल का मतलब क्या होता है। नेचुरल मतलब होता है कि जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है, और आर्टिफिशियल मतलब होता है मैनमेड, इसको मैनमेड भी कह देते हैं, जो व्यक्तियों द्वारा, हमारे द्वारा बनाया गया है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपने बना लिया कोई आर्टिफिशियल, आपने अपने घर में पॉन्ड बना लिया, या फिर आपने उसमें कोई आपका एक्वेरियम है, जैसे एक्वेरियम अपने आप में इकोसिस्टम है। इसके अलावा आपने कहा कि जो लेबोरेटरी में हम कल्चर करते हैं अलग अलग, तो जो लेबोरेटरीज हैं वो हो गई। इवन स्पेस भी जो है इसका एग्जाम्पल है, क्रॉपलैंड्स इसका एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? ये सब के सब जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या मैनमेड इकोसिस्टम है। नेचुरल इकोसिस्टम को हम दोबारा से दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं अगर देखें तो। पहला जो है वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो जमीन से, जो जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं या जो जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन इकोसिस्टम्स को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली इसमें तीन प्रकार के इकोसिस्टम आते हैं। आपके डेजर्ट्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, और जमीन से जुड़ी हुई चीजें क्या हो सकती है? फॉरेस्ट आ गया, और आपका तीसरा जो होता है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स
इसमें अल्पाइन मेडोज भी आ रहे हैं, उत्तराखंड में जो हायर एल्टीट्यूड्स पे जो अल्पाइन मेडोज होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। अब दूसरा टाइप देखें, टेरेस्ट्रियल के बाद जो दूसरा टाइप आता है वो आता है हमारे एक्वेटिक, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जैसे नाम से पता चल रहा है पानी से रिलेटेड है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है पानी से रिलेटेड है। अब बेसिकली ये दोबारा से तीन प्रकार का होता है, देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो आता है उसको कहते हैं मराइन इकोसिस्टम, दूसरा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, और तीसरा जो आता है उसको कहते हैं इस्टीरियल। अब इन तीनों में फर्क देखते हैं। मराइन हुआ खारा पानी, खारे पानी वाले इकोसिस्टम, ये कौन कौन से हो सकते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, आपके सी हो सकते हैं या ओशियन हो सकते हैं, सागर महासागर, फ्रेश वाटर इसमें भी आते हैं दोबारा से, यूस्टीरियन कौन से हो गए जो कि जहां पर खारा पानी और आपका फ्रेश वाटर जहां पर मिलते हैं, जैसे कि हमारे सुंदरबन का इलाका है वेस्ट बंगाल में, तो वो ना खारा है ना वो ताजा पानी का है, तो जहां पर दोनों मिलते हैं उसको हम यूस्टीरियन इकोसिस्टम कह देते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इट इज अगेन ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का है ये, एक होता है लेंटिक इकोसिस्टम और एक होता है लोटिक इकोसिस्टम। लोटिक इकोसिस्टम, अब लेंटिक कौन सा वाला है, लेंटिक होता है जो स्टिल वाटर होता है, स्टिल वाटर ठहरा हुआ पानी जो होता है उसको हम लेंटिक वाटर कहते हैं, और जो रनिंग वाटर होता है उसको हम लोटिक इकोसिस्टम कह देते हैं, रनिंग वाटर। एग्जांपल देख लेते हैं, इसके एग्जांपल क्या होंगे लेंटिक इकोसिस्टम के, ठहरा हुआ पानी देखिए पॉन्ड, और लोटिक इकोसिस्टम का क्या हो सकता है रिवर, स्ट्रीम, इस तरह के जो बहता हुआ पानी है वो होता है आपका लोटिक इकोसिस्टम, और जो ठहरा हुआ पानी होता है वो होता है आपका लेंटिक इकोसिस्टम। अब इसके अलावा अगर हम आगे चले तो हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, इसमें हम पॉन्ड के अलावा इसमें एक दो और लिख लेते हैं, लेक, गेट, तो इस प्रकार के जो ठहरे हुए पानी वाले होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि किन किन चीजों से मिलकर एक इकोसिस्टम बना होता है इकोसिस्टम। अब देखें बेसिकली हमको ये पता है, जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे कि कोई भी इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला वाला जो होता है उसको कहते हैं हम अबायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, दूसरा वाला जो होता है उसको कहते हैं हम बायोटिक फैक्टर्स। अब इनके अंदर क्या क्या होता है ये हम देखने वाले हैं, कि जो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के उसके अंदर जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हैं उसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स को और लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अबायोटिक फैक्टर्स से, और अबायोटिक फैक्टर बेसिकली अगर देखें तो दो प्रकार के होते हैं, पहले जो होते हैं उनको हम कहते हैं क्लाइमेटिक रेजिम, अबायोटिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं अबायोटिक फैक्टर्स की, तो जैसे मैंने कहा पहला वाला आ गया क्लाइमेटिक रेजिम, इसके अंदर क्या क्या आता है क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जैसे एक एग्जांपल है टेम्परेचर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, है ना, जो क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं, सॉइल से अगर ले लें तो पीएच, तो इस तरह की चीजें, प्रेसिपिटेशन, ये सब चीजें जो होती हैं ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आती हैं। दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं बायोटिक में ये क्लाइमेटिक हो गया, और दूसरे वाले जो आ गए वो आ गए आपके मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इसमें आपके दोनों आएंगे, ऑर्गेनिक और एंड इनऑर्गेनिक,
ऑर्गेनिक में अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या लिपिड्स कह लीजिए, प्रोटीन्स इंक्लूडिंग अमाइनो एसिड्स, ये सब चीजें आपकी ऑर्गेनिक में आती हैं। इनऑर्गेनिक में कौन सी आती हैं? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आते हैं आपके कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये जो भी आपके सल्फर, ये जो भी कंपोनेंट्स हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वो सब आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ये अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि ये चीजें जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं, किसी भी इकोसिस्टम के लिए बहुत आवश्यक हैं, और लेकिन इनमें जान नहीं होती, लेकिन जीवन को जीवित रखने के लिए इन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। अब हम आगे बात करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक जैसे नाम से पता चल रहा है, बायो मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, लाइफ साइंस। तो बायो मतलब होता है, बायोटिक का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जिनमें जीवन है। अब ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं बायोटिक फैक्टर भी। पहला प्रकार जो होता है उनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर, दूसरा प्रकार जो होता है उनको हम कहते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर या कंज्यूमर्स, और तीसरा प्रकार जो होता है उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ भी कह देते हैं, जो अपना सेल्फ नॉरिशिंग होते हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी आपके पेड़ पौधे हैं, ये सारे के सारे आपके फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट की मदद से, फोटोसिंथेसिस करते हैं। आपके कीमोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और बहुत से फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन्स भी होते हैं, और पानी में देखें तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये प्रोड्यूसर्स के अंदर आती हैं, और ये किसी भी फूड चेन की पहले ट्रॉपिक लेवल में आते हैं, जो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दूसरे में आते हैं जो है कंज्यूमर्स। अब इसमें जो है फिर से बहुत सारी कैटेगरी हम बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर कौन है जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, कंज्यूमर कौन है जो इनको खा रहे हैं। अब कंज्यूमर भी अलग अलग प्रकार के हैं कि कंज्यूम अलग अलग करते हैं, जैसे सबसे पहले कैटेगरी जिसमें आती है उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्ब मतलब क्या होता है? हर्ब मतलब जड़ी बूटी, घास। तो घास खाने वाले जो भी जानवर होते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। उसके बाद जो इनको खाते हैं उनको कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब कौन? जो दूसरे जानवरों को खा रहे हैं उनको हम कार्निवोर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक कैटेगरी और मान ली जाती है, बहुत से लोग उसको अलग मानते हैं, बहुत से लोग इसे मान लेते हैं, उनको हम पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स भी कहते हैं। तो वो भी वाली कैटेगरी भी जो है बहुत से लोग इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसको अलग से लेंगे और कंज्यूमर्स को हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स में ही रखेंगे। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमको याद रखनी है। जैसे हर्बीवोर्स के लिए इनको की स्टोन एनिमल्स भी कहा जाता है। की स्टोन एनिमल्स क्यों कहते हैं इनको? की स्टोन एनिमल्स इनको इसलिए कहते हैं, ये वैसे बेसिकली इनको ये एल्टन ने कहा था सबसे पहले इनको ये टर्म की स्टोन एनिमल्स कहा था। वो इसलिए कहा था क्योंकि देखिए, अगर आप की स्टोन या की इंडस्ट्री भी कह देते हैं इसको, इंडस्ट्री एनिमल्स, एल्टन द्वारा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप देखें कि प्लांट से एनिमल्स में जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी बायोमास गेन हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? वो कोई ना कोई एक एनिमल ऐसा होना चाहिए जो प्लांट से एनर्जी ले और वो एनिमल्स को ट्रांसफर करे। तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स, जो घास फूस खाते हैं और
जड़ी बूटियों पर और पेड़ पौधों पर जिंदा रहते हैं, उनको हर्बीवोर कहते हैं। तो इसीलिए इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स कहा गया, क्योंकि पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है जो आगे लगी हुई है वो इन एनिमल्स पर बेस्ड है। अगर ये एनिमल ना हो तो नीचे से जो एनर्जी है वो ऊपर को नहीं पहुंचेगी, इसलिए इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बहुत बार ये पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में कि की इंडस्ट्री एनिमल्स किन कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को कहा जाता है। अब हम कार्निवोर्स की बात करें, कार्निवोर्स हमको पता है कि दूसरों पर फीड करते हैं, और ये अगर हम कोई फूड चेन पकड़ लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा ये ग्रास है और ग्रास के बाद हमने कह दिया कि इसको खाने वाला कोई भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, और स्नेक को खाने वाला मान लीजिए पिकॉक है। अब आप देखिए कि ये जो है ये क्या है, ये है आपका प्रोड्यूसर। फूड चेन क्या होता है, हु इट्स हुम, कौन किसको खाता है उसको फूड चेन कहते हैं। तो ग्रास जो है, ग्रास लीजिए, हर्ब लीजिए, कुछ भी लीजिए, तो ये क्या है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये प्रोड्यूसर है। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे के सारे कंज्यूमर है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे चीजों को, दूसरे जीवों को कंज्यूम कर रहे हैं, ये अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, दूसरों का बना बनाया खा रहे हैं एक तरह से, तो इसीलिए इनको कंज्यूमर कहते हैं। तो उस तरह से अगर कंज्यूमर देखें तो ये कौन सा कंज्यूमर हो गया, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। सिमिलरली अगर हम दूसरे को देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये हो जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से कंज्यूमर नंबर दिए जाते हैं, ये हो गया क्वार्टरी कंज्यूमर, या फिर इसको हम टॉप कंज्यूमर भी कह सकते हैं, अगर मान लो इसको कोई नहीं खाता है, जो फूड चेन के लास्ट में होता है इसको टॉप कंज्यूमर नॉर्मली हम कह देते हैं। अब बेसिकली जो टॉप कंज्यूमर कहिए, और अगर हम इसको उसके हिसाब से देखें कि कार्निवोर, और उसके हिसाब से ये हो गया आपका हर्बीवोर, हर्बीवोर ये हो गया आपका प्राइमरी, कार्निवोर ये हो गया आपका टर्शियरी कार्निवोर, ये हो गया आपका टॉप कार्निवोर। तो इस तरीके से इसको भी अलग भी कर सकते हैं, ये हर्बीवोर है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने देखा कि हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इसमें भी फिर अलग अलग कैटेगरियां कंज्यूमर्स की होती हैं। तीसरे हम देख लेते हैं, तीसरी जो कैटेगरी आई वो आई हमारी डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं, डिकम्पोजर बेसिकली हमारे पास बहुत सारे फंगस हो सकते हैं, फंगाई हो सकते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, और बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं मतलब क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स जिनको हम कहते हैं, या आपके अलग अलग कार्बोहाइड्रेट हैं, स्टार्च जैसे, और इस तरीके के जो प्रोटीन्स हैं, इनको क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स में तोड़ते हैं, तो उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो डिकम्पोजर्स की ये कैटेगरी आ गई, इसमें बहुत सारे आपके फंगाई की स्पीसीज हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं, और बहुत सारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मिनरलाइजेशन का भी काम करते हैं। जो मिनरल्स पेड़ पौधों को चाहिए होती हैं, यानी कि जो लाइफ फॉर्म में एनर्जी यहाँ को गई थी, उस एनर्जी को, उस बायोमास को वापस लाना, उन मिनरल्स को वापस पेड़ तक पहुंचाने के लिए, सॉइल में डालने के लिए, तो ये डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, साइकिल पूरी घुमाने में बहुत मदद करते हैं ये डिकम्पोजर्स। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, या पढ़ते आए हैं नीचे की क्लासों से, तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, तो ये काम इनका है। अब इसके बाद जो हम आगे आते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था शुरुआत में थोड़ी देर पहले कि पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स भी होते हैं। तो पैरासाइट्स कौन होते हैं, जो दूसरे जीवों पर उनका होस्ट होता है दूसरा जीव, और उन पर रहते हैं वो। और जो स्कैवेंजर्स होते हैं, स्कैवेंजर क्या करते हैं, वो जैसे टर्माइट्स हो गए, बीटल्स हो गए, क्या करते हैं वो चीज, जो सड़ी हुई चीजें हैं उनको ठीक करते हैं। इवन वल्चर्स को भी स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो आप देखें कि अगर वल्चर ना हो तो फिर क्या हो, गिद्ध ना हो तो क्या होगा। तो इस तरीके के जो एनिमल्स हैं तो उनको हम अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, पैरासाइट्स और स्कैवेंजर्स। तो बहुत से लोग इसको कंज्यूमर में डाल देते हैं, बहुत से लोग इसको एक अलग कैटेगरी बना के पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स में भी डाल देते हैं।
तो अबायोटिक रीजन मैंने आपको बताया कि बेसिकली आपके पास क्लाइमेटिक है अबायोटिक, और उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। और बायोटिक में मैंने आपको बताया कि बेसिकली तीन कैटेगरी है हमारे पास, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो इन पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। और कंज्यूमर फिर दो प्रकार के मैंने आपको बताए, मैंने कहा हर्बिवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, इनको हम की स्टोन एनिमल्स भी कहते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो दूसरे एनिमल से फीड करते हैं। और उसके बाद मैंने कहा कि डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर वो होते हैं जो चीजों को, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट हो सके। अब हम आगे जो है देखते हैं कि जो हमारे इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अब इसमें अगर हम स्ट्रक्चर में जाएं तो बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो है वो है स्पीशीज कंपोजिशन। आशा करता हूं आप लोग इकोसिस्टम समझ रहे होंगे कि ये कोई बायोस्फीयर का एक छोटा सा ऐसा रीजन है जिसमें अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स मिलते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको एक इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जांपल है पॉन्ड है, एक फॉरेस्ट है। तो ये पॉन्ड जैसे छोटे माइक्रो इकोसिस्टम भी हो सकते हैं और ओशन जैसे बड़े बड़े इकोसिस्टम भी हो सकते हैं। तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं कि स्पीशीज कंपोजिशन, सबसे पहला हमने कंपोनेंट ले रखा है कि स्पीशीज कंपोजिशन क्या होता है। जैसे हमने, जैसे मैंने आपसे कहा कि जंगल ले लिया हमने, एक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमने ले लिया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होंगे, उनकी अलग अलग स्पीशीज होंगी, बहुत सारे हर्ब्स होंगे, श्रब होंगे, ट्रीज होंगे। उसके बाद हम एनिमल्स में आएंगे तो बहुत सारे उसके अंदर हर्बीवोर्स होंगे, बहुत सारे कार्निवोर्स होंगे और बहुत से डिकम्पोजर्स भी होंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम में क्या होता है, वेरिएशन होता है स्पीशीज का, बहुत से स्पीशीज को मिलाकर एक इकोसिस्टम बनता है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, अब ये जो स्पीशीज है, बहुत सारी स्पीशीज हैं, ये भी स्ट्रेटिफाइड हैं। स्ट्राटा मतलब क्या होता है, स्ट्राटा देखिए अलग सा कंपोनेंट बनाना, अलग डिफरेंशिएट करना। तो ये स्पीशीज भी आपस में डिफरेंशिएट होती हैं। उसके बाद हो सकता है कि मान लिया आपने कहा कि एक आपका ऑर्चर्ड इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे फल के पेड़ हैं। अब आम की स्पीशीज कितनी है, अमरूद की कितनी है, और या आपने कहा नाशपाती की कितनी है या सेब की कितनी है, तो ये सब क्या है, अलग अलग स्टार्ट है। अब उसके बाद हमने अंदर जब देख लिया बहुत सारी स्पीशीज है, उसके बाद हम अंदर घुसे तो हमने देखा कि उसके अंदर फिर सब कैटेगरी है अंदर बनी हुई। तो ये क्या करती है, स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब अलग अलग टाइप की पॉपुलेशंस होती हैं, इसमें पॉपुलेशंस बनी होती हैं। पॉपुलेशन यानी कि क्या मतलब है, स्पीशीज को मिलाकर एक टाइप की स्पीशीज की जब कॉम्बिनेशन होती है तो उसको एक लोकल पॉपुलेशन कहते हैं। जब पॉपुलेशन मिलती है तो उसको एक कम्युनिटी कह देते हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलती है तो उसको एक कम्युनिटी कहते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन मतलब ये होता है कि जब एक कोई इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं और उस स्पीशीज में भी फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग हो रखे हैं। तीसरा जो आ गया वो आ गया इंपॉर्टेंट हमारा, ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन या ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसको, क्योंकि ये बहुत काम आता है, बहुत बार पूछा भी आता है, इसमें बहुत सारे सवाल भी आते हैं बहुत से कंपटीशन वाले एग्जाम्स में कि ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, छोटा सा मान लीजिए मैंने कहा प्रोड्यूसर इसको खाता है कौन, आपको पता है हर्बीवोर। इसको कौन खाता है, आपको पता है कार्निवोर। और या इसको हम कंज्यूमर कह देते हैं, प्राइमरी प्राइमरी कार्निवोर कह देते हैं, चलो प्राइमरी कार्निवोर। और इसको खाता है सेकेंडरी कार्निवोर, एंड देन मान लीजिए टॉप कार्निवोर है यहां पर, टॉप
टॉप कार्निवोर, ठीक है। अब ये सब आपस में भी कनेक्टेड हैं ऐसे। इसके अलावा ये एक तरीके से और कनेक्ट होते हैं, कैसे? अगर हम देखें तो इन सबको कनेक्ट करने वाला है डिकम्पोजर्स, ये सबको डिकम्पोज करता है। तो इस तरीके का कोई भी जो ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, अब इसको हम ट्रॉपिक ट्रॉपिक लेवल यानी कि T1 कहते हैं, इसको कहते हैं T2, ये हो गया आपका T3, T4 और ये T5। बहुत बार कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि वो बोलते हैं कि बताइए फॉक्स, इसका एक सिंपल फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल बताइए, और फिर ऑप्शन आ जाएंगे T1, T2, T3, T4। अब एक कॉमन आदमी को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे करा गया है और क्या किया गया है। बेसिकली कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमको एक सिंपल सी फूड चेन बनानी है। हमने कहा ग्रास है, ग्रास को रैबिट खा रहा है और रैबिट को फॉक्स खा ले रहा है, ये हमने फॉक्स तक की फूड चेन बना ली। अब हम कहेंगे ग्रास है तो ये T1 होगा, ये T2 होगा और ये T3 होगा, तो इसका मतलब फॉक्स का ट्रॉपिक लेवल क्या हो गया? T3। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये, और लेकिन ये पूछे आते हैं कि ट्रॉपिक लेवल कौन सा है। अब ट्रॉपिक लेवल के बाद अगर हम जो हमने थोड़ी देर पहले किया उसको देखें कि ये तो प्रोड्यूसर हो गए, ये हर्बीवोर हो गए, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स है ना, दूसरों पर निर्भर है, अपना खाना स्वयं नहीं बना रहे, कंज्यूमर है। तो ये कौन सा कंज्यूमर हो गया? हर्बीवोर। ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या हो गया आपका? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है? प्राइमरी कार्निवोर होता है। ये क्वेश्चन भी ऐसे भी घुमा के पूछ लेते हैं कि प्राइमरी कार्निवोर है तो वो कंज्यूमर नंबर क्या होगा? वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। और अगर मान लो कोई एनिमल है वो टॉप कार्निवोर है तो वो टॉप कंज्यूमर होगा या टर्शरी कंज्यूमर होगा या बोथ होगा या कह नहीं सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो टॉप कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर एक ही बात है, और सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर होगा तो ये टर्शरी कंज्यूमर होगा, क्योंकि कंज्यूमर एक ये है, कंज्यूमर दो ये है, कंज्यूमर तीन है, लेकिन यहां सेकेंडरी लिखा है क्योंकि ये कार्निवोर है, ये हम कार्निवोर का नंबर ले रहे हैं। प्राइमरी कार्निवोर यहां से शुरू हुआ क्योंकि ये हर्बीवोर था। तो इस तरीके के ये ट्रॉपिक लेवल से भी बहुत बार पूछा जाता है कि T4 जो होगा वो टर्शरी कंज्यूमर होगा या सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, कौन से नंबर का कंज्यूमर होगा। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है कि कोई भी इकोसिस्टम में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स का वो बना होता है, उसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स बने होते हैं जिस पर कि कौन किसको खाएगा, जैसे घास होगी उसको रैबिट खाएगा, रैबिट को कौन खाएगा, उसको कौन खाएगा, तो अलग अलग प्रकार के ट्रॉपिक लेवल्स उसके अंदर बने होते हैं। तो ये तीसरे किस्म की चीज थी। अब हम बात करेंगे चौथी चीज की। इसके अलावा मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट इसमें बताना चाहूंगा जो नोट करने वाली चीज है कि किसी भी जो फूड चेन होती है किसी भी जंगल में या किसी भी इकोसिस्टम में, तो वो ज्यादा से ज्यादा 3, 4 या 5 तक ही जाएगी, T5 तक ही जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाती। उससे ऊपर क्यों नहीं जाती है? वो इसलिए नहीं जाती है क्योंकि जितना भी खाना यहां से उपलब्ध है ये सारा का सारा नहीं खा पाते, और अगर ये जितना खाते हैं, खाते भी हैं, तो वो सारा का सारा यूजफुल नहीं होता, कुछ एनर्जी जो होती है वो वेस्ट हो जाती है, वो मैन्योर के रूप में या वो डिकम्पोज वो निकाल देगा बाहर, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी उसको नहीं मिलती। तीसरा नंबर यह है कि जो एनर्जी उसको मिली हुई है तो पूरी ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जब कोई काम करेगा, रेस्पिरेशन ही कर रहा है मान लो, या अपने अंदर मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कोई चीज डाइजेस्ट कर रहा है, उसमें तो एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आई थी? यहां से आई थी, तो जितनी उसने स्टोर करी थी उसमें भी उसने यूज कर ली। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बेसिकली दो तरह की एनर्जी होती है, एक ग्रॉस एनर्जी होती है, एक नेट एनर्जी होती है, जिसको हम आगे देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा T4 T5 तक ही सपोर्ट सक्सेसिव सक्सेसफुल फूड चेन हो सकती है, उसके अलावा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकती है, लेकिन वो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है क्योंकि एनर्जी और बायोमास उतने ज्यादा ट्रांसफर आगे को नहीं हो पाता है। अगला कंपोनेंट जो है वो है न्यूट्रिएंट्स। इकोसिस्टम का अगला कंपोनेंट जो इसके स्ट्रक्चर में आता है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसी चीजें जो प्लांट के लिए सॉइल में उपलब्ध होती है पहले से, जिसको कि हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट भी कह देते हैं। स्टैंडिंग स्टेट ये क्या है? जैसे आपको पता है
कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है ना, इस तरह की चीजें, या कैल्शियम, ये चीजें जो सॉइल में पहले से सॉइल में प्रेजेंट हैं और जरूरी है किसी प्लांट के लिए कि वो किस कितनी मात्रा में है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। तो हमने देखा कि बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हमने चार चीजें देखी। सबसे पहले स्पीशीज कंपोजिशन आए कि अलग अलग प्रकार की स्पीशीज रहती हैं। फिर हमने कहा स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्ट्राटा बनते हैं, अलग अलग पॉपुलेशंस पॉपुलेशंस बनती हैं, यानी कि स्पीशीज मिलाकर एक पॉपुलेशंस बनाती हैं, फिर दूसरी स्पीशीज मिलाकर दूसरी पॉपुलेशन बनाएगी। फिर हमने कहा ट्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था आपको कि ये ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से बनती रहती हैं और इन सबको कनेक्ट करता है कौन, डिकम्पोजर। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि जिसको स्टैंडिंग स्टेट भी कहते हैं, कि एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स एरिया में कितने न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हैं सॉइल में, उसको हम उसका स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। तो इस तरीके की जो जियोकेमिकल साइकिल के द्वारा आते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम की, कि काम क्या है, कैसे काम करता है कोई भी इकोसिस्टम। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई कि इकोसिस्टम बनता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या होता है और कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर होता है, उसका ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है और स्पीशीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम काम कैसे करता है। फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, कि किसी भी इकोसिस्टम का बेसिकली क्या काम होता है। कोई भी इकोसिस्टम ऐसा नहीं होता जो दूसरे इकोसिस्टम पर निर्भर हो अपने परसिस्टेंस के लिए। वो अपने आप में परसिस्ट करने की क्षमता रखता है। अब परसिस्ट करने की क्षमता रखता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और अपनी चीजों को ही आपस में घुमाता है, और उसमें जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी इसके स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे क्या क्या थे हमने देखे थे अभी, कि प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर के बाद क्या थे, कंज्यूमर थे और डिकम्पोजर थे, तीन कंपोनेंट थे ना। तो इन सबके भी अपने अपने काम है। जैसे अगर आप एक पौधे को ले लें, प्रोड्यूसर जो है पौधे, पौधे के अंदर भी अगर आप देखें तो फिर और डिफरेंशिएशन है। जैसे लीफ का काम अलग होता है, फोटोसिंथेसिस है, रूट का काम क्या है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा और पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और जो जाइलम फ्लोएम हुए हैं फूड को और पानी को वो ट्रांसफर वो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे प्लांट में। तो इस तरीके के प्लांट के अंदर भी अलग अलग हैं, और प्रोड्यूसर का बेसिकली काम क्या है कि जो रेडिएंट एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, उसको, उस एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, बायोमास में, एनर्जी में। तो ये काम बेसिकली किसका है, एक इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर का काम है। कंज्यूमर का काम क्या है, कंज्यूमर का काम है हर्बीवोर से एनर्जी लेकर आगे को ट्रांसफर करना। तो अब इसके अलावा इसमें भी अगर कैटेगरी देख लें तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आती हैं। जैसे हमने कहा हर्बीवोर, हर्बीवोर के बाद आ गया कार्निवोर। तो इनका काम क्या है, इनका काम है बेसिकली एनर्जी यहां से लेकर आगे को पास करना। कार्निवोर का काम क्या है कि ये जो एनर्जी है, एक तो इनको, इनकी जनसंख्या को बैलेंस भी करता है। अगर कार्निवोर नहीं होंगे तो क्या होगा, हर्बीवोर की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, तो इनको बैलेंस करना भी इसका काम है। इकोसिस्टम में ये भी चीजें आती हैं कि इनकी संख्या को, इनकी पॉपुलेशन को, इनकी जनसंख्या को कौन कंट्रोल करेगा, कार्निवोर करेंगे। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये जो भी चीजें, हर एक एनिमल कुछ खाता है तो कुछ ना कुछ वो एक्सक्रीट भी करता है, तो वो क्या होता है, फिर वो मिनरल्स बनते हैं, वो सॉइल में मिलते हैं और उसके बाद उसका मिनरल्स बनता है, तो वो भी ये करते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, ये नहीं होंगे तो क्या होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि ये नहीं होंगे तो ये सारे के सारे जब मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोज कौन करेगा, तो इनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स भी जरूरी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं, उनका अपना अपना काम होता है। इसके अलावा इसके कुछ फंक्शनल एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें जो आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी।
प्रोडक्टिविटी फिर दो प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अभी देखते हैं हम लोग। दूसरा आता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक डाउन होता है हैवी उनका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और तीसरा आता है एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, बहुत सी जगह पर इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एनर्जी फ्लो क्या होता है और कैसे होता है, फिर अभी देखेंगे इसको। चौथा आता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, और एक आखिरी कंपोनेंट और होता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन। डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, अब पहले हल्का हल्का देख लेते हैं ऊपर ऊपर प्रोडक्टिविटी क्या होता है। कितना भी बायोमास एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है, कितनी एनर्जी आ रही है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन। डिकम्पोजिशन होता है कि ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो फिर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो कर रहे हैं। उसके बाद होता है एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी का ट्रांसफर, ये भी फंक्शनल एट्रीब्यूट है, कि यानी कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन है इकोसिस्टम का, कि एनर्जी का ट्रांसफर करता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर। न्यूट्रिएंट साइकिल, बहुत सारी हमने चीजें देखी है कि नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, फॉस्फोरस साइकिल पढ़ते हैं, वो सब इसके अंदर आती है। डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजेशन, और ये भी इसका एक वो है कि स्टेबलाइज करना भी कोशिश, जैसे मैंने आपसे कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना ये चीज, और इस तरीके से ये स्टेबलाइज भी करता है। कोई भी इकोसिस्टम जो होता है वो अपने आप पर निर्भर होता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, कोई दूसरा इकोसिस्टम उसको अफेक्ट नहीं करता है। तो उनका अपना डेवलपमेंट खुद करता है और अपना स्टेबलाइजेशन भी वो खुद ही करता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है ये प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो। तो हम ऐसा करेंगे कि एक एक करके शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी, वैसे मैंने आपसे भी कहा था कि प्रोडक्टिविटी दो किस्म की होती है, एक मैंने आपसे कहा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे जो भी हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो कितनी एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी को ट्रैप कर पा रहे हैं फोटोसिंथेसिस से, वो कितना बायोमास निकाल पा रहे हैं, एक्युमुलेट कर पा रहे हैं, या बेसिकली दो किस्म का होता है इसमें, आपसे कहा ग्रॉस और नेट, अभी हम बात करेंगे कि कितनी एनर्जी वो निकाल पा रहे हैं सनलाइट से, बना पा रहे हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कितना बायोमास वो एक्युमुलेट कर पा रहे हैं उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कौन? प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉप्स। सेकेंडरी क्या हो गया? सेकेंडरी जैसे मैंने आपको फूड चेन में कहा था कि प्रोड्यूसर होंगे, उनको कौन खाएगा? कंज्यूमर खाएंगे, हर्बीवोर खाएंगे बेसिकली। तो हर्बीवोर या कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर कितनी बायोमास को एक्युमुलेट कर पा रहे हैं, या कितनी एनर्जी को अपने अंदर ले पा रहे हैं, कितनी एनर्जी नीचे से ट्रॉपिक लेवल को ऊपर को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है बेसिकली ये दो प्रकार की होती है, अगेन इट इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जीपीपी क्या होता है, ये एक्चुअल में होता है कि जितनी एनर्जी उन्होंने प्रोडक्शन करी, टोटल प्रोडक्शन कितना है ऑफ एनर्जी या बायोमास कह लीजिए आप, और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये क्या है, टोटल स्टोरेज ऑफ एनर्जी या बायोमास, कि स्टोरेज कितना हो रहा है उसको नेट कहते हैं, ग्रॉस जो टोटल बना उसको ग्रॉस कहते हैं। तो अगर हमको एनपीपी निकालना है, एनपीपी निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है जीपीपी
माइनस एनर्जी या बायोमास लॉस इन रेस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कि टोटल कितनी बनी थी, प्रोडक्शन कितने का हुआ था और कितने का नुकसान हो गया, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो वो नेट हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकल जाती है। तो बहुत बार इनमें से दो कंपोनेंट दिए होते हैं और तीसरे कंपोनेंट को कहा जाता है कि निकाल के बताइए। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, हमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कि इसको निकाला कैसे जाता है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसकी एनपीपी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। और अगर हम बात करें डेजर्ट की, क्योंकि यहां पेड़ पौधे कम होते हैं तो इसीलिए इसकी जो एनपीपी होगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। तो सिंपली अगर पेड़ पौधे हैं तो ये समझ जाइए कि उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और अगर पेड़ पौधे नहीं है तो ये समझिए कि वहां की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की। अब इसको एक चीज और है, इसको नापा कैसे जाता है, यूनिट क्या है इसकी, दोनों की यूनिट, इनको नापने का जो यूनिट का तरीका है वो है किलो केल्विन पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या ऐसे कहिए किलो जूल, क्योंकि एनर्जी को हम जूल भी नाप सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इनको नापने का तरीका ये होता है दोनों को। सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो ये वो एनर्जी होती है, ये बायोमास होता है जो कि यहाँ से किसी भी प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से जो है कंज्यूमर्स में आ रही है। और इसको नापने का जो यूनिट है वो है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एक कितने ग्राम पर मीटर स्क्वायर में हर वर्ष ट्रांसफर हो रहा है उसको हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन कहिए या डिकम्पोजर्स कहिए, जैसे मैंने अभी हम तक बताया था आपको कि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, और ये बेसिकली सॉइल के अपर लेयर में मौजूद होते हैं, और अगर ये ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि जो अदर हमारे लेवल्स हैं उनको डिकम्पोज नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक में नहीं करेंगे, तो साइकिल जो कि पूरी गड़बड़ा जाएगी और जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस पूरा खराब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है वो क्या होता है। बेसिकली किसी भी इकोसिस्टम में जब एनर्जी फ्लो होता है तो वो दो नियमों को फॉलो करता है, एनर्जी फ्लो होने पर वो दो नियम फॉलो करता है, इससे लिखते हैं लेट गए, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। कि किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फॉलो वो फ्लो करती है, क्योंकि एनर्जी यहाँ इसने इकट्ठा करी सनलाइट से, फिर इसने इसको ट्रांसफर करी और इसने आगे को ट्रांसफर करी और दोबारा से रिसाइकिल हुआ, तो ये जो भी ट्रांसफर होता है ये बेसिकली दो नियम फॉलो करता है। एक ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, और दूसरा जो ट्रांसफर है एनर्जी ट्रांसफर है, या आप कहिए उसको नेट एनर्जी कह दीजिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रॉफिक लेवल के। क्या मतलब है इसका देखते हैं, यूनिडायरेक्शनल होती है, जैसे मैंने कहा आपसे यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब मान लीजिए हमने एक फुर्चे ली, मैंने कहा ग्रास, सिंपल फुर्चे, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, बस इतनी ले ली मैंने, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है।
तो एनर्जी जो होगी वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जो एनर्जी होगी, एनर्जी जो होगी वो हमेशा इधर कोई फ्लो करेगी, यानी कि प्रोड्यूसर्स से आगे कोई फ्लो करेगी, वापस नहीं आती एनर्जी। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि जितनी भी, जैसे मैं अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ एनर्जी जो होती है वो रेस्पिरेशन में उसमें वो आती है, वो कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है एनर्जी जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो वापस नहीं आती जैसे और चीजें होती हैं। दूसरा, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रॉपिक लेवल्स की। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा एनर्जी कम उतरेगी। इसका कारण वही है जैसे मैंने बताया आपको, रेस्पिरेशन में, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। मैंने 1,000, मान लो एक प्लांट था, उसने एक प्लांट से उसको एक हर्बीवोर ने खाया, 1,000 किलो कैलोरी उसको एनर्जी मिल गई। 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी रैबिट को मिल गई, रैबिट ने ग्रास को खाया। अब क्या रैबिट को खाकर, मान लो उसको लायन ने खा लिया सीधे सीधे, तो क्या लायन रैबिट को खाकर 1,000 किलो कैलोरी एनर्जी खाकर 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी पा सकता है क्या? नहीं पा सकता, तो वो कम एनर्जी पाएगा ना उससे। तो बेसिकली क्या होता है कि 10 to 20% ही ट्रांसफर होता है, ये एनर्जी होती है उससे भी कम होती है बहुत बार। तो 10 to 20% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। अगर 1,000 होगा तो सिर्फ वो 100 पहुंचेगा अगले ट्रॉपिक लेवल तक, उसके अगले ट्रॉपिक लेवल में देखेंगे तो वो सिर्फ 10 पहुंचेगा, अगले ट्रॉपिक लेवल में वो सिर्फ 1 किलो कैलोरी एनर्जी पहुंच रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ट्रॉपिक लेवल बढ़ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी घटती जा रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ट्रॉपिक लेवल के। इन्वर्सली मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक किसी भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है और कैसे ये काम करता है। अगले जो वो पढ़ेंगे हम अगले जो चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी फूड चेन कैसे बनती है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कितने टाइप की फूड चेन्स होती है, फूड वेब क्या होती है, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स पर, जिनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन देखेंगे, कुछ हम बेसिक मेजर इकोसिस्टम्स को भी देखने वाले हैं। और अगर हम, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, लिविंग बींग्स होते हैं ये मिलाकर, या स्पीशीज कह लीजिए आप, स्पीशीज कह देते हैं इसको, ये मिलाकर क्या बनाते हैं, ये मिलाकर बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलाकर क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटीज को मिला दो तो बनता है इकोसिस्टम, बहुत से इकोसिस्टम्स को मिला दो तो बनता है लैंडस्केप, बहुत से लैंडस्केप को मिला दो तो बनता है बायोम, और बहुत से बायोम्स को मिला दो तो बनता है बायोस्फेयर। तो हमने देखा कि स्पीशीज को कैसे कोई भी हमारे इकोसिस्टम्स में, कोई भी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आगे के लेक्चर्स में हम ये देखेंगे। आज हमने देखा ये, आज हमने इकोसिस्टम्स पढ़ा। अब इसके आगे पीछे की भी तो इकोसिस्टम इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे पीछे की भी तो इकोलॉजी होती होगी। कम्युनिटी इकोलॉजी होती है, पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है, स्पीशीज लेवल पे हम इकोसिस्टम का स्टडी कर सकते हैं, बायोम और बायोस्फीयर की हो सकती है, लैंडस्केप इकोलॉजी भी होती है। लेकिन हम आगे जो हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं, जब हम ये बेसिक खत्म कर लेंगे इकोसिस्टम्स के, तो फिर हम इनमें भी जाएंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर क्या क्या है, कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर क्या क्या है, और स्पीशीज लेवल पे इकोसिस्टम्स का इफेक्ट क्या पड़ता है और रिवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें हम आगे देखेंगे।